गेहूं की सरकारी खरीद को दूसरा सप्ताह शुरू होने के बाद भी किसानों का रुझान मंडी की ओर दिखाई नहीं दे रहा। जिले भर में बनाए 8 खरीद केंद्रों पर मात्र दर्जन भर ही किसान अपनी फसल लेकर पहुंचे। किसानों के मंडी न पहुंचने के कारण मंडियों में पिछले सालों जैसी रौनक दिखाई नहीं दे रही। मंडियों में हर साल सैकड़ों प्रवासी रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। इस बार अनाज की आवक कम होने से मंडियों में न के बराबर कामकाज है। ऐसे में मजदूरों को कामकाज नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि बाजार में फसलों की ज्यादा कीमत मिलने के कारण दादरी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के किसान खरीद केंद्रों पर गेहूं और सरसों बेचने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जहां फसल बेचने के लिए किसानों में मारामारी रहती थी, लेकिन इस बार अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह शुरू होने के बाद भी मंडियां और खरीद केंद्र सुनसान पड़े हैं। बात यह है जी, आप 5 साल पहले, आप 2 साल पहले काम चल रहा था, अभी काम कुछ नहीं चल रहा। हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं जी, रोटी जो काम भी नहीं होता है यहाँ पर भी, हम लोग बैठे बैठे खा रहे हैं। पहले तो आ रहा था, अब की बार कुछ नहीं आया जी। पहले बहुत आता था अनाज जी, अब की बार अनाज आता नहीं है। हाँ जी, मंडी भर जाती थी इससे। अब की बार सफाई नहीं, कुछ काम आया है। अब की बार अनाज आया नहीं किसी तरह। ऐसे अब हम लोग बैठे बैठे खा रहे हैं, पैसे की इंतजार कर रहे हैं जो किसी तरह हम लोग रोटी जो काम चले। यहाँ पे पिछले साल जो है ना, से पैर टेकने का जगह नहीं था, अनाज बहुत सारा गिर रहा था। अब की बार तो कुछ भी कोई नहीं है यहाँ पर, और भूखे हम सब रहते हैं। काम भी नहीं आता है, सो काम करेंगे, घर भी भेजने के लिए पैसे नहीं पूरा होता है, राशन भी उधार नहीं देता है दुकान वाले। हम तो 1-1.5 महीना से खा लिए हैं, के बाद कुछ भी नहीं काम हुआ है। होता है किसी दिन 100 रुपये हो जाता है राशन पानी का, किसी दिन छापे खाली जाता है। 4-5 साल से काम करते हैं यहाँ पे। नहीं हुआ? नहीं, पहले ऐसा नहीं हुआ था। पहले तो सही था, इतना अनाज गिरता था पैर टेकने का जगह नहीं मिल रहा था। अब की बार तो इधर से उधर खाली है पूरा मंडी है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? काम नहीं है तो हम सब तो भूखे मरेंगे। हम बिहार से आए हैं। सरसों को लेकर जी, सरकार का भाव 5,500 रुपये के करीब है, लेकिन हमारी जो मिलों में सरसों है ना, 6,500-6,600 रुपये से ऊपर बिक रही है। हम सरकार को नहीं देना चाहते क्योंकि इसमें हमारे भारी घाटा हो रहा है, बाहर देने में हमारे भारी फायदा है। बताइए, गेहूँ के लेकर गेहूँ के बारे में सर, मंडी में से ज़्यादा पैसे में गाँव में बिक जाता है। सरकार का भाव 2,015 रुपये का है, जिसमें कि जमींदार को लागत ज़्यादा आ जाती है, इसलिए कटाई पटाई लगा कर हमें जमींदार भारी नुकसान में पड़ता है। इसलिए नहीं देना चाहता, सरकार को बाहर बेचना चाहता है अपना गेहूँ को। तो हमारे हिसाब से तो बहुत कम उम्मीद है आने की सरकार को। मजबूरी में जो लाने तो अलग बात है, लेकिन जमींदार को सीधा भारी फायदा मिलता है, इसलिए मंडी में नहीं लेना चाहता।